हाय फ्रेंड्स, मैं मंजू शर्मा, मंजू जी के टैलेंट हब से। और आज चलिए हम बनाते हैं एक परफेक्ट स्वीट्स। तो मैं बनाऊंगी आज गुजिया। तो फ्रेंड्स, अब मौसम हो रहा आ गया है आम का, तो हम आम का एक बढ़िया सा स्नैक्स बनाते हैं। तो उसका इसके मैं बनाऊंगी गुजिया। इसके लिए मैंने लिया है पनीर, आम, ड्राई फ्रूट्स और ये नारियल। ये नारियल को मैंने ऊपर का काला हिस्सा निकाल के कद्दूकस कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं और आप इसको थोड़ा मिक्सी में पाउडर भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ कद्दूकस करके ही लिया है ताकि ये खाने में थोड़ा अच्छा लगे। और इसको मैं थोड़ा सा वो बना लूँगी, कम भरते टाइप बना लूँगी, इसको मैश कर लूँगी इसको। अब इसके लिए मुझे अब लगाना है मैदा का आटा। तो ये मैंने ली है मैदा एक कटोरी। इसमें मैं डाल लूँगी हल्का सा नमक, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा नमक डालना है। और उसके बाद मैं डालूंगी एक चम्मच इसमें ऑयल, ज्यादा नहीं, बस एक चम्मच। और इसको अब मैं दूध के साथ गूंथ लूंगी। इसको अच्छे से मिला लेते हैं और इसको दूध के साथ गूंथते हैं। फ्रेंड्स, आटा हमें सिर्फ ऐसा लगाना है पूड़ी जैसा, क्योंकि इसमें नमक डला है तो ये थोड़ी देर में जो रखते के साथ ही ये लूज होने लगेगा, इसलिए हमें पूरी जैसा टाइट आटा लगाना है। और मुझे इसे 10 मिनट के लिए रख देना है, जब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टफिंग बना लेते हैं हम। गैस को करते हैं ऑन। इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच देसी घी, और देसी घी के साथ ही फ्रेंड्स ऑयल, घी हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये थोड़ा सा काजू, किशमिश, इसको हल्का सा हम सॉटे कर लेंगे देसी घी में। गैस को कर देते हैं एकदम स्लो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये किशमिश हमारी फूल रही है। इसी से पता चलता है कि हमारे जो है ड्राई फ्रूट जो है वो थोड़े सॉटे हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी नारियल का चूरा, नारियल का चूरा। मैंने इसमें नारियल का चूरा डाल दिया है। इसको भी मैं हल्का सा सॉटे करूंगी, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था मैंने, और फ्रिज में रखने से ये एकदम से वाइट हो गया है। देख सकते हैं आप, एकदम से वाइट हो गया ये फ्रिज में रखने से। काफ़ी टाइम से फ्रिज में रखा था तोड़ के, तो फिर मैंने ऊपर का इसका स्किन निकाल दिया और ये बिल्कुल वाइट मिल गया मुझे। और मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा मोटा रखा है दरदरा, तो अच्छा लगेगा ये फ्लेवर। देखिए, ये हल्का सा सॉटे कर लिया है हमने। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये पनीर, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, पनीर के साथ नारियल, वाओ, और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स, कमाल की कॉम्बिनेशन है। देखिए ये मेरी खुद की रेसिपी है फ्रेंड्स, इसको मैंने खुद ही लिखा है और खुद ही मैंने इसको बनाया है, कहीं से देखकर, किसी को देखकर, सुनकर, पढ़कर नहीं बनाया है इसको। मैंने खुद ही सोचा कि मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, तो देखते हैं कैसी बनती है। क्योंकि मैंने ऐसे पराठा बनाया था और पराठा बहुत ही टेस्टी बना था, तो इसका मतलब गुजिया भी बहुत अच्छी बनेगी हमारी, तो हम इसके लिए गुजिया बनाएंगे अब इसकी। तो चलिए, अब मैं इसमें डाल देती हूँ मैंगो। फ्रेंड्स, अब ये मैंगो को मैंने पूरा इसमें मैश कर लिया है, ये देखिए। इसको हम हल्का सा और भूनेंगे जिससे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए अच्छे से, और ठंडा करने के बाद ही हम इसमें चीनी मिलाएंगे पिसी हुई, क्योंकि चीनी मिलने से ही ये पतला हो जाएगा, इसलिए इसे हम सूखा कर
फिर चीनी मिलाएंगे ठंडा करने के बाद। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। वैसे ये सूख गया है पूरा, देखिए कढ़ाई बिल्कुल सूख छोड़ दी है, तो सूख चुका है ये पूरा। हम इसे ठंडा कर लेते हैं। अब बनाना शुरू कर रहे हैं। और ये देखिए मैंने पूड़ी बेल ली है और छोटी छोटी लोइयां जो हैं मैंने बना ली हैं, और इसकी पूड़ी बेल रही है। और ये हम स्टफ कर रहे हैं अपनी मैंगो के स्टफिंग को। और ये मैंने गुजिया बना के रखी हुई है, ये देखिए ये बना ली है। और अब हम इसे तलने चलते हैं। फ्रेंड्स, गुजिया हमारी बन के रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए मैंगो की गुजिया हमारी रेडी हो गई हैं। और आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स पूरी वीडियो जरूर देखा कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।